नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। खेलबो जीतबो और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के उद्देश्य से निगम क्षेत्र के विभिन्न खेल मैदानों में समर कैंप चल रहा है, जहां बच्चे एवं युवा बड़े उत्साह से शामिल होकर खेल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। भिलाई महापौर नीरज पाल की पहल पर निगम क्षेत्र के बच्चों एवं युवाओं में खेल को बढ़ावा देने समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई निगम के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समर कैंप के तहत 30 खेल मैदानों का चयन किया गया है, जहां लगभग 11 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण कोच द्वारा दिया जा रहा है। समर कैंप शुरू होने से खेल मैदानों में सुबह से खिलाड़ियों की रौनक छाई हुई है। गर्मी की छुट्टी को मजेदार बनाने सुबह 6 बजे से ही मैदान में ये डट जाते हैं और कोच के मार्गदर्शन में अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। सेक्टर 5 के आदर्श उद्यान में सुबह 5:30 बजे से बच्चों संग बड़े भी संगीत की धुन पर जुम्बा डांस में शामिल हो रहे हैं। खेल खेल में नृत्य और वार्म अप करते हुए फिटनेस के लिए बच्चे, युवा और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। निगम प्रशासन द्वारा लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, कबड्डी, पिकल बॉल सहित विभिन्न प्रकार के खेल मैदान अलग अलग खेल के अनुरूप तैयार किए गए हैं। समर कैंप की पूरी गतिविधियों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के MIC प्रभारी आदित्य सिंह रोजाना सुबह मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। देखिए, विगत 2-3 सालों से कोविड का जो प्रभाव पड़ा है, उसमें कई दफा लॉकडाउन की नौबत आई और लॉकडाउन में जो है बच्चे क्या युवा सभी जो है वो घर पे ही रह गए, और जो बच्चे हैं और जो बढ़ती युवा पीढ़ी है वो मोबाइल हो गया, TV हो गया, इन सब माध्यमों में ज़्यादातर उनकी इस दौरान रुचि रही, क्योंकि घर में सभी थे। तो इन सब को देखते हुए ये जो मौका है, जब कोविड का संक्रमण कम हुआ है, तो ये महापौर जी की सोच थी कि समर कैंप के माध्यम से क्यों ना ऐसे बच्चों को आगे लाया जाए और आगे ला करके उनको एक जो हमारे विकसित खेल मैदान निगम क्षेत्र में है उसमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए, जो कोच हैं उनके माध्यम से निःशुल्क को कोचिंग दी जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो हमारे जो भिलाई का नाम है उसको राज्य, देश विदेश में रोशन करें, उनको आगे भी बेहतर प्लेटफॉर्म मिले। इसी के तहत में जो समर कैंप का आयोजन है वो किया जा रहा है, और रात्रिकालीन जो फ्लड लाइट की सुविधा है जो विकसित मैदानों में है, उसका उपयोग भी जो है वो बच्चे कर रहे हैं और अपने दमखम के साथ में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। बहरहाल, इस वर्ष बच्चों की गर्मी की छुट्टियां काफ़ी रोमांचक हो गई हैं, क्योंकि नगरपालिक निगम भिलाई ने इन गर्मियों की छुट्टी को समर कैंप के माध्यम से बच्चों को उनके मन मुताबिक खेलों की बारीकियाँ खेल खेल में सिखा रहे हैं। इस समर कैंप का लाभ आने वाले समय में होने वाले राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय खेलों में अवश्य देखने को मिलेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।